कार्यालय का उद्घाटन। लेकिन मुझे बहुत से लोगों का फोन आया कि बीजेपी के उम्मीदवार महिंद्रा गाड़ियों के प्रदर्शन कर रहे हैं, इनोवा गाड़ियों का पसंद कर रहे हैं। आज प्रदर्शन हो रहा है, लोग गाड़ियां गिनी, लोगों ने कहा आदमी तो है ही नहीं इसमें। जब पता लगा इनको कि प्रोग्राम तो रख दिया, जनता आने को तैयार नहीं है, तो आदेश मिला कि जितनी गाड़ियां बने ले आओ, पूरे राजस्थान में फोन कर दिए। हमारे यहां शहर के लोगों ने देखा, शहर के लोगों ने देखा, मुझे बताया उन्होंने कि बुढ़ानिया जी यहां तो सारी गाड़ियां बाहर की थी, सारी गाड़ियां बाहर की थी। मैंने कहा अरे मेरे तारानगर के लोग वो नहीं है जो तुम छोड़ के गए थे, तारानगर वो नहीं है, तारानगर को हमने आगे बढ़ाया है। तारानगर की सभ्यता और मान सम्मान बढ़ाया है हमने, तुम्हारे दांतों मुंह में डाल के सारे दांत गिन लेंगे। मैं गांव में गया, परसों की बात है, मैं लील की गांव में गया, तो एक आदमी बोला कि वहां तो गाड़ियां ही गाड़ियां थी। वो बोले हो, अरे बोले भैया वोट गाड़ियां का लगेंगे, वोट तो आदमी का लगता होगा, गाड़ियां का वोट लगता होता तो आपने देश में सब ज्यादा गाड़ियां बनावे महिंद्रा, तो उस देश में तो महिंद्रा ही राज करते हो फिर तो। ये उनकी पहचान है, ये राठौड़ साहब की पहचान है। जब भी वो चुनाव लड़ते वो गाड़ियों से चुनाव लड़ते। गाड़ियों से चुनाव लड़ते, आदमियों से कोई मतलब नहीं। प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे गाड़ियों का। ये गाड़ियां तो चुरू जिला और आसपास का झुंझुनू अजमेर अलवर तक की गाड़ियां ले आए, कोई कह रहा बाड़मेर की गाड़ी भी थी, हरियाणा की तो थी थी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं उनको, सुन लो, ये जनता जो सामने है ये जनता नहीं है, ये जनता नहीं है, ये हीरे हैं, हीरे। हीरे हैं, हीरे मेरे दिल के टुकड़े हैं। हमारी भीड़ नहीं है, हर गांव से हमारे साथी आए हैं,
हर बूथ से हमारे साथी आए। हमने आसपास के 10 गांवों की भीड़ नहीं की। राजगढ़ तहसील के सारी पंचायतों से लोग आए, सरदारसर की पंचायतों से लोग आए, तारानगर के शहर और देहात के लोग उपस्थित हुए। अब कोई कहे अब भीड़ खड़ी है, मंदिराम जी सरपंच खड़े हैं, है? खड़े हैं देखो, अरे वो बादर बैठे हो, वो बादर खड़े हो, वो सरपंच खड़े है बादर नाइक। अरे कितने हीरे बैठे हैं मेरे से, लेकिन ये गाड़ियों में विश्वास नहीं करते। साथियों, आपने मुझे एमएलए बनाया, मैंने सेवक की तरह एक कार्यकर्ता की तरह काम किया। मेरे पास पुराना अनुभव है, 42 साल से मैं काम कर रहा हूं। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तब मैं कॉलेज का अध्यक्ष था,